नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपको बिल्कुल खुश कर देगी। जो भी साथी डरे हुए बैठे हैं कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खासतौर पे 28 वाले जो साथी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें गाइस, क्या खबर है देखते रहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट और रिपीटेड क्वेश्चन के लिए हमारे कुछ साथियों ने RTI लगाई थी, जिसका जवाब DSSB ने धरने के लगभग टाइम पे दिया था। तो साथियों, बता देना चाहता हूँ, जो रिजल्ट की बात हुई थी, रिजल्ट के लिए DSSB ने बोल दिया है कि रिजल्ट है बहुत जल्दी आने वाला है। और हालांकि कुछ बात भी चली थी कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो चीज़ें झूठ थी, फेक थी, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों, बात यह है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में भी DSSB का जवाब आया था, लेकिन आपने शायद नोट किया हो, हालांकि एक मेरे YouTube पे एक साथी था, उसने कमेंट किया और उस कमेंट ने मुझे मतलब एक्टिव किया उस चीज को बताने के लिए। हालांकि मैं सोच रहा था कि सभी को पता होगा इस चीज के बारे में, लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया, मुझे सोनू जी ने मुझे बताया, तो मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको ये चीजें बताऊं। तो साथियों, जो उसमें लिखा हुआ था, हालांकि रिपीटेड का मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं होंगे, 8-7 जितने रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, इवन 28 वाले में भी। लेकिन जो अभी DSSB का जवाब आया है, आप अभी देख सकते हैं, रिपीटेड और एक है रिप्लिका। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो रिप्लाई 1 आया था DSSB का, डिटेल्स ऑफ एक्शन टेकन बाय DSSB ऑन रिप्लिका क्वेश्चन हैज बीन डन, द इंफॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज सून एट द टाइम ऑफ कट ऑफ। तो इसका मतलब है कि जो DSSB ने रिप्लिका क्वेश्चन है उनके बारे में अपना जो डिसीजन है वो ले लिया है, और कट ऑफ के टाइम पे वो डिटेल डाल दिए जाएंगे। तो साथियों, अभी बात है कि रिप्लिका होता क्या है। आप सभी सोच रहे होंगे जैसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन और रिपीटेड क्वेश्चन की बात चल रही है कि 25 क्वेश्चन है रिपीटेड, और बहुत सारे YouTube चैनल वाले आपको ये बता भी रहे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है रिप्लिका, जो RTI का जवाब आया है ये आया है रिप्लिका। तो साथियों, रिप्लिका होता क्या है, अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो अभी आप रिप्लिका वर्ड देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जो रिप्लिका है इसका मीनिंग होता क्या है, तो रिप्लिका का जो मीनिंग होता है वो होता है एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम कॉपी किसी चीज की, या मॉडल ऑफ समथिंग, या किसी चीज का मॉडल, जैसे कार का मॉडल बना दिया और वो सेम टू सेम ही मॉडल बनता है, आपको पता होगा, एक मॉडल बन गया, एक कार बना दी, वो मतलब मॉडल बना के तैयार कर दिया, तो उसका क्या है कि सेम टू सेम बनता है। तो रिप्लिका का मतलब भी यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी, कि कोई चीज कॉपी करके पेस्ट कर दी वहां पे, तो ये होता है रिप्लिका। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लेके बच्चे बहुत दुखी हुए पड़े, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन ह्यूमन नेचर होता है कि एक बार कंफ्यूजन जरूर हो जाता है, टेंशन जरूर हो जाती है कि 25 क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होंगे। तो साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि जो मेरे 28 वाले जो भाई हैं, मेरे जो साथी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत खुशी हुई देख के कि रिप्लिका का मतलब यहाँ पे क्या है, एन एग्जैक्ट कॉपी, कि सेम टू सेम क्वेश्चन डिलीट होंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन की संख्या ज्यादा नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे लग रहा है 7, 8 या 9 तक क्वेश्चन होंगे रिपीटेड क्वेश्चन, जो रिप्लिका क्वेश्चन है, सॉरी, रिप्लिका क्वेश्चन मुझे लग रहा है 8 या 9 तक होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो सेम टू सेम कॉपी है 28 वाले में, और 13 और 14 वाले में भी दो तीन होंगे। तो साथियों, आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन थे जो रिप्लिका क्वेश्चन थे, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम आप सभी को बताऊंगा। तो 13, 14 और 28 वाले जो भी साथी हैं, मुझे जरूर बताएं कि कितने कितने क्वेश्चन रिप्लिका थे। रिप्लिका का मतलब होगा सेम टू सेम। तो साथियों, बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। 13, 14 वालों को तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता पहले भी, लेकिन 28 वाले जो साथी थे उनके लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात थी, बहुत दुखी हुए बैठे थे वो। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
हालांकि डीएसएसपी ने जो अभी जवाब दिया है, आरटीआई की कॉपी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिप्लिका का जो मतलब निकल रहा है उसके आधार पे मैं ये सब बता रहा हूँ। हालांकि डीएसएसपी फाइनल क्या करता है वो चीजें अभी देखने वाली है। हालांकि जो रिप्लिका है उसका मतलब यही है, ये क्लियर है आप लोगों के सामने, आप खुद भी चेक कर सकते हो रिप्लिका होता क्या है। तो साथियों इसके बाद आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो चीजें चल रही हैं ये वो साथी हैं जो भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को कि 25 क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए, तो आप टेंशन ना लें, ये सब चीजें क्या है बहुत ही आराम से होने वाली हैं, रिजल्ट बहुत आराम से आने वाला है। और जो उन साथियों ने दावा किया था कि रिजल्ट आएगा नहीं, एग्जाम कैंसिल होगा, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं ऐसे लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरों का नुकसान हो, अपना फायदा हो या ना हो लेकिन दूसरों का नुकसान जरूर हो। तो साथियों ये चीजें मैंने देखी हैं, जिन साथियों ने केस किया है उन्होंने सीधे तौर पे 13, 14 और 28 वालों के लिए लिखा है। हालांकि मांगे और तरह से भी हो सकती थी, वो कह सकते थे कि जो 30 वाले हैं उनको अलग से बेनिफिट दिया जाए, उनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिले, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं रखी, सीधे तौर पे 13, 14 और 28 वालों पे अटैक किया है। इनका मतलब है कि 13, 14 और 28 वाले इनको फायदा हुआ एग्जाम कैंसिल हो, मींस अगर वो भला चाहते तो बोल सकते थे कि हमें 30 वालों को थोड़ा बेनिफिट मिले, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग ही नहीं करी। जब मेरी 13, 14 और 28 वाले साथियों से बात हुई तो उन साथियों ने सीधे तौर पे बोल दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे 30 वाले साथी हैं उनको बेनिफिट मिले, उनका जो लेवल था हमारे लेवल से थोड़ा टफ था, उन्होंने सीधा बोला है। लेकिन जो वो साथी हैं वो चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी है नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ अपनी शिफ्ट का देख के सीधा बोल दिया। हालांकि मैं जब से भी मतलब स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि 30 वालों को बेनिफिट मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन वो साथी उस चीज से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये देख के बहुत अजीब लगता है कि सिर्फ 30-40 बंदे उनके साथ हैं, 30-40 बंदे उनके साथ हैं और उनको लेके वो बंदे 13, 14 और 28 वालों को आधार बना रहे हैं। तो साथियों अभी क्या है कि जो 30 वाले भी साथी आए थे तो इसे देख के इतनी खुशी हुई देख के कि ऐसा नहीं है, 30 वाली शिफ्ट में भी ऐसे साथी हैं जो सभी के लिए सोच रहे हैं कि उनका बेनिफिट हो। तो साथी देखते हैं आगे क्या होता है, हालांकि राह साफ नजर आ रही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर रिजल्ट आता है तो ये सभी आप लोगों के सहयोग की वजह से होगा, और उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, और अगर रिजल्ट आता है तो मैं सभी का आभारी रहूंगा और आप सभी धैर्य जी को का भी आभारी रहेंगे। तो साथियों धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।